बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां किरतपुर में 3 मार्च को मासूम बच्चे की हत्या का किरतपुर पुलिस ने स्वाट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को साथ लेकर बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां एक तरफ घटना का 36 घंटे में खुलासा होने से पुलिस ने नशेड़ी किस्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं पर घटना के शीघ्र खुलासे से किरतपुर पुलिस का इकबाल भी बुलंद हुआ है। हैवानियत की सारी हदें पार कर नशेड़ी हत्यारे ने मासूम बच्ची की बड़ी बेरहमी से हत्या कर उसका शव खनहर में फेंक दिया था। घटना का शीघ्र खुलासा करते हुए डीआईजी मुरादाबाद ने किरतपुर पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम का उत्साह वर्धन करने को लेकर 50,000 रूपए की राशि व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जनपद मेरठ के थाना इंचौली का मूल निवासी हैवान दरिंदे आरोपी को थाना किरतपुर पुलिस ने बस अड्डे के पास घटना में प्रयुक्त चाकू समेत गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी डॉक्टर निरंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना के खुलासे की पुष्टि की है। खुलासा हुआ है सर, क्या मामला है? 3 तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी, प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहां अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद पर क्षेत्र के द्वारा 50,000 का नकद इनाम घोषित किया गया है। हत्या के कारण का कुछ पता चल पाया? हत्या का कारण यह जो लड़का है, ये नशेड़ी प्रवृत्ति का है और लड़की को गलत नीयत से ही ले आया, लेकिन लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसने हत्या कारित कर दी।